चीज खाएंगे क्या खिलाओगे? पहले ये बताओ गिफ्ट क्या था, कोई गिफ्ट पकाया है? नारी चीज आई लग रही है। गिफ्ट तो कुछ भी नहीं मंगाया, कुछ भी नहीं खिलाएंगे, कुछ भी नहीं खिलाएंगे अब। मैं तो 100 रुपया दिया कर भी दे दूँ। 100 रुपया मेरा नाम का भी दे दिए। ठीक सर, जितना रुपया आएगा उन्हें दे खिला देगी चीज। चीज खिलाओगे ना? छोले भटूरे, नान पनीर, बर्गर, चाउमीन, समोसे, वही डिमांड तो इतनी ही देना, तो ये बनती है गोलगप्पे इनमें से क्या और नुकाय इनमें से क्या मतलब इनमें से एक चीज। बर्थडे बॉय है आज, इनको टोपी पहनाएंगे। टोपी पहना के फिर पूरे दिन टोपी पहन के घूमेगा घर में ताकि सबको बता दे आज ये बर्थडे बॉय है। ठीक है, है अभी 10:30 के आसपास और कोई भी एक्सरसाइज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक खास बंदे से। मैं डरता नहीं हूँ, मैं निराश नहीं होता हूँ, मेरे को कुत्ते वाली जिंदगी नहीं जीनी। ये देखिए ये है वही शख्स जो आज कुत्ते से भी बेकार जिंदगी जीने लग रहा है। लास्ट वीक स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे तमाम तरह के हथकंडे, बहुत ज्यादा है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैचाटी बनाई जा रही है। हेलो मम्मी, लग रहा है मेरे को। हाय, आप क्या कर रहे हो? मैं अपनी पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी मैचाटी तैयार है क्या? अभी बस तैयार कर रहे हैं भाई, मेरे लिए बनाना। अब तो आप रेगुलर ट्राई कर रहे हो मेरे ख्याल में इसका ना? कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मतलब महंगी टी है इसलिए अच्छा महसूस कर रहे हो या? महंगी से तो क्या अच्छा महसूस करूंगा, बट बात यह है कि इसको नहीं, कई बार होता है कि कुछ ना, इसको मैं पीने के बाद जब रनिंग करता हूँ तो मेरे को थकान से नहीं होती, ऐसा लगता है कि जैसे पेस बन गया भाई, मजा आ रहा है। कैमरा ऑन होते इनको मैचा टी चाहिए और अभी तक नहीं, वो पसंद नहीं। मेरे को पसंद है, एनर्जी आती है सर्दी तुम इससे अच्छे से नहीं करूँ फिर टुकड़ुम टुकड़ुम। देखो होगी ना फ्रोथी। ओके, इसको ना यूज़ करने से पहले भी एक बार गीला करना चाहिए एंड यूज़ करने के बाद जो आप पानी करो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना एंड उसी में वॉश करके रख दो। ओके, थैंक यू। दैट्स फॉर मी। सुबह उठते ही कैरम खेलने लगता है और रात को सोते सोते कैरम ही चलता रहता है इसका। भाभी, दिन में कितनी बार कैरम खेलता रहता है? दिन कैरम से आज जब तक वेट नहीं हो जाता, जम के मेहनत करनी है। सारे जो प्लान थे ना, इतना किलोमीटर सब फेल हो चुके हैं। आपके आपको 9 बजे कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा था। हाँ, तो 9 बजे जी रहा था ना, अभी नहीं जी रहा। चलिए फिर जाते हैं और वहाँ से आके देन मिलते हैं। हाय, 24 तारीख फाइनल वीक। और आपको हमारी हालत देखकर पता चल ही रहा है, वीडियो रिकॉर्ड किसी ने नहीं किया, सुबह से लेके अभी तक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 11 बजे हम वेट करेंगे और जितना होगा जैसा होगा, हाँ कपड़ों का वेट अलग निकाल देंगे। सोचा कि 3 बार करेंगे, उसमें 2 बारी जो कॉमन आएगा उसे डिसाइड किया जाएगा। अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। अब हमें पता चल रहा है कि 1 वीक में 1 किलो वेट लॉस करना कितना मुश्किल है। किसी को जीतने की कोई आस नहीं है, लग नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सा रिलैक्स चलेगा आगे से ताकि बॉडी रिकवर हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वेइंग स्केल को रख के तीन बार अपना वेट करते हैं, उसको एक कागज़ पे लिखेंगे। वेट करने के बाद फिर उसमें से जो कपड़ों का वेट है वो निकाल दिया जाएगा, जो जीतेगा सबसे ज़्यादा वही इसका विनर होगा। और इनकेस अगर किसी का नहीं होता तो फिर वो बाद की बात है, वो देखते हैं। मैं एक पेन पेपर रेडी करती हूँ। ओके, अब पेन पेपर रेडी कर लो। प्रवीण, प्रिया, प्रवेश, 24 जून, 79.1, 58.3 78.3, 77.5। अब नीचे एक ऑप्शन क्लोथ को बना ले।
उसके बाद ये है वेट माइनस कर देंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप आइए, मुंह के ऊपर रखो उसे, ये कुछ नहीं होड़ा लो ये कुछ जीत की कितने जीत तो गई कितनी फेंट डाल दी तो देखिए कितनी जीत रही है जंग जीत रही देखिए पूरी आंख में निकल आई देखिए कि सुनी सुनी होगी मम्मी एक जो मेरे पास आखिरी ऑप्शन है ना वो है फोन तो तने जीत तेरी पक्का प्रिया जीत पक्की पहली रीडिंग सेकंड रीडिंग आइए भाई जय श्री राम जय श्री कृष्ण 71.4 यही है 51.5 दो बार रीडिंग आई थी सेवर करने की जरूरत नहीं है जल भाई खड़े हो जाओ तुम लोग चुटकारा को देखा कि मैं सुन लिए थोड़ा दूर हो यार मम्मी हम ही तो बड़ी चीज ना चुटकारन लग ये मोर क्यों ताकत होगी 69.3 कांग्रेचुलेशंस नहीं मेरा चेंज है 69.2 था पिछली बार आप एक बार और कर सकते हो तो फिर दो कॉमन आना चाहिए दो कॉमन तो अब आप ही करोगे दोनों है? नहीं हमारा तो कॉमन आ चुका ना हमारा तो खाली वेट कपड़ों का वेट हटेगा ठीक है फाइनल है ये भाई जय श्री कृष्ण माता श्री आशीर्वाद तो भाई जीत जाना चाहिए भाई जोरा बड़ी में जीत करी थी भाई बाल का ना गद का लग रहा है जीत गए 69.3 मुझे लगता है इसका डोप टेस्ट होना चाहिए इसने कोई ड्रग्स वगैरह लिया है जिसकी वजह से नहीं तो इतना वेट कम होता नहीं है वैसे नॉर्मली अरे पिछले वीक में मैं लगभग 45-50 किलोमीटर की रनिंग प्लस वॉकिंग कर चुका हूँ मेरा मुंह ऐसा हो गया है जैसे बंदर का छोटा सा बहुत बेकार सा बेकार को नहीं बहुत सुत्र हो प्यार कैसा लग रहा है फिर मोबाइल जीत के अभी हम 10-15 दिन हम थोड़ा मेंटेन करेंगे हम 10-15 दिन के लिए सच में मेंटेन करना चाहते हैं इस वेट को और उसके बाद चाहते हैं मेंटेन करेंगे क्योंकि खाने के बाद फिर से 1-2 किलो का फर्क आ जाता है ना 10 सितंबर या 15 सितंबर से और हम मम्मी को भी साथ में नहीं मैं नहीं 10 सितंबर से या 15 सितंबर से मम्मी को भी हम साथ में आएंगे हम साथ करेंगे मैंने तो नहीं ठाट तक सिटी भाई सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी जब तक ज्यादा मेहनत तो भाई जो कोई जीत उसने करी ये तो मैं ठीक है मुझे लग रहा है कि दूसरे पे सबसे ज्यादा मेहनत ठीक है मैं जीत गया सब कह रहे हैं कि मैंने प्रिया भाभी ने बहुत मेहनत की इन्होंने रनिंग इतनी नहीं की लेकिन जो एक्सरसाइज होती है ना 30 days के वर्कआउट वो बहुत किए हैं अगर वास्तव में देखा जाए तो इस चैलेंज में प्रिया ही जीती है हाँ भाभी क्योंकि देखा जाए क्योंकि ना उसमें क्या कहते हैं फीमेल्स में वेट लूज करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और फैट लूज किया है भाभी ने सबसे ज्यादा फैट लूज इन्होंने किया स्टार्टिंग में मतलब जब कितने 24 जून को मेरा जो फैट परसेंट था वो था 32.4 और आज मेरा फैट परसेंट है 24 कुछ है हाँ तो सबसे ज्यादा फैट लूज लगभग 8.5% फैट मैंने सोचा नहीं था कि भाभी तब तक मतलब 8वें वीक तक मेंटेन कर पाएगी
लेकिन इसने साथ बराबर साथ में मेंटेन कर लिया है और सबसे ज्यादा फैट लूज किया है। तीनों बच्चों से इतने खुश हो तो आप भी तो तीनों को कैमरे के सामने कुछ दो। मैं देव कैमरा के सामने लस्सी गिलास भर के ले आऊं, 0000 गैर के नमक गया कि इतनी खुशी बस मम्मी सही कर रहा है, बस उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है एक एक गिलास लस्सी तो थमने लगेगी ना, पिला दे नहीं मिला, पिला लो उसकी जरूरत है। ये तो पुच्ची कह रही थी, ये तो पुच्ची कह रही थी। अरे वो तो ठीक से बात है, दिन में 15 मिली हुआ है मम्मी ठीक है, लस्सी गिलास लिया पियाऊं तुम देखिए कितनी मेहनत कर रही है। अरे लस्सी पी के ना दो के, अरे शाम तक फटकार के सोवांगा। हां शाम तक सोयो, घोड़ा बेच के कहते। अगर और कोई ट्राई करना चाहता है वेट लॉस, मैं और कोई ट्राई करना चाहता है तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा भाई, खाने पे ध्यान दो, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बट उतनी नहीं जितना खाना है। खाए गए ना कितनी मेहनत कर लो कभी नहीं होगा। मैंने एक महीने में 6 kg वेट लूज किया था, मेरे दूसरे चैनल विजडम स्टोर के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है और इसमें मुझे 2 महीने के अंदर फुल मेहनत के साथ भी 8 kg कम करने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि मैंने खाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने उस टाइम पर दिया था। तो फूड इज अ प्रायोरिटी जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। क्या लगता है ये रिवॉर्ड सिस्टम वर्क करता है? बहुत ज्यादा वर्क करता है, रिवॉर्ड सिस्टम भी वर्क करता है। और हम एक बार वीडियो के सामने कैमरा के सामने दूसरों को बता देते हैं ना कि हाँ हम ये करेंगे, तब इंसान को हारते हुए बहुत डर लगता है। पब्लिक में हारना किसी को पसंद नहीं। अगर हम ये सब नहीं करते ना, रिवॉर्ड रिस्क नहीं कर लेते, कैमरा के आगे वीडियो नहीं करते, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 से 3 वीक तक चलता, उसके बाद ये नहीं चलता। अकेले से मैंने किया ना तब बोरिंग हो गया था, जब तीनों का देना देन इट्स लाइक अ फेस्टिवल, तब एक मजा आ जाता है तीनों से। अगर ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि आप भी हमारे साथ कर सकते हैं, आगे हम जो भी चैलेंज लेंगे हमारे साथ ले सकते हैं। जैसे मैं आगे लेने वाला हूँ, मैं एक हेयर्स के लिए लेने वाला हूँ। मेरे बाल उतने हेल्दी मुझे नहीं लग रहे, मैं सोचता हूँ कि इनको ना ब्लैक भी करूँ, थोड़ा पावरफुल भी करूँ और इनमें थोड़ी सी जो ड्राइनेस है वो भी चली जाए, तो मैं आगे हेयर्स के लिए भी एक चैलेंज लेने वाला हूँ। तो जब साथ मिल के करते हैं ना तो उस टाइम पे, क्योंकि पता सबको होता है क्या करना है, बट साथ मिल के करते हैं तो हम कर पाते हैं। तो अभी हम कपड़ों का वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद कुछ खाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अभी हम क्लोथ्स का वेट कर लेते हैं। मैंने ये सारी चीजें जो चीजें लिखी हुई थी वो यहाँ पे हैं, डाल के हम तीनों के मतलब अलग अलग करके 397.4 में से 400 ग्राम अगर कर दे तो 71.0 तो मेरा 8 किलो, तो आपका 8 kg हो चुका है। इनको 1100 रुपये और मिल जाएगा। 613.50.9 kg, तो आपका इस वीक का टारगेट हुआ पूरा। हाँ, इस वीक का हो गया। 1100 तो आपको मिलेंगे, इस चीज की खुशी है आपको। अच्छा एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या बताओ? मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। बताओ। क्यों ना हम बताऊ, मेरे एक मेरी शादी में भी सपना था क्या? कि मैं आपके साथ शादी में ना गोलगप्पा कॉम्पिटिशन करूँ। अच्छा, तो वो फिर मेरा अधूरा रह गया क्योंकि आप लेट पहुँचे है ना मेरी कमी निकालना तुम। और क्या, आप आए ही लेट थे। अच्छा। तो सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया फिर। अच्छा जी, तो अब हम एक गोलगप्पा कंपटीशन कर ले, कर लो फायदा। जो जीतेगा ना उसको, जैसे 1100 आपके 1100 मेरे हैं, जो जीतेगा ना उसको ही सारे मिलेंगे। तो कर लो भाई। हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, लेकिन ऐसा देखो ऐसा मत करना कि खाओ कम और बेकार ज्यादा करो। कर लेंगे। ओके डन। 352 68.95 So clearly I'm the winner. तो ठीक है, 69.95 क्या मैं कहता हूँ कि 69 kg मेरा हो गया है। और खुशी की बात यह है कि मैंने फोन भी जीत लिया, कॉम्पिटिशन भी जीत लिया एंड क्लियरली आई एम द विनर। कितना टोटल कितना हुआ आपका? टोटल मेरा हो गया 8 से आप ज्यादा लगा लो 8.5 kg सिर्फ 2 मंथ में, बट ये 2 मंथ में ही जानता हूँ कि कैसे निकले, मैंने कितनी मेहनत की है। मतलब मैं बता नहीं सकता, फोन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी कौन सा फोन मंगाओगे या वो नेक्स्ट सरप्राइज रहेगा? ठीक है, दैट विल बी सरप्राइज, बट मैं ये बता दूँ कि फोन के अलावा एक और चीज सबसे खुशी की बात यह है कि जैसा मुझे मतलब बॉडी को सही करके जैसा फील हो रहा है ना, दैट्स अमेजिंग। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इन केस अगर आप पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और
मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।